अमेठी जिले के मुंशीगंज से सुल्तानपुर जाने वाली सड़क पर थोड़ी ही दूर पर कोरवा नामक स्थान पर HAL की एक यूनिट है। HAL भ्रमण करते हुए सबसे पहले हम जा पहुँचे यहाँ स्थित झील पर, क्योंकि HAL परिसर में स्थित इस झील की सुंदरता वास्तव में आकर्षक तो है ही। इसी झील के किनारे बने इन पिंजरों में कुछ जलपक्षी भी पाले गए हैं, जिनसे सुंदरता तो बढ़ती ही है, साथ ही इनकी चहचहाहट भी मनमोह लेती है। यदि झील के आकार की बात करें तो झील अपेक्षाकृत लंबाई में अधिक है और चौड़ाई में कम। वहीं झील के किनारों पर रास्ते बनाए गए हैं, जिन पर चलते हुए झील की सुंदरता देखी जा सकती है। यहाँ के निवासियों में से कुछ लोगों ने तो इस रास्ते पर भ्रमण को अपने दैनिक जीवन का एक हिस्सा बना रखा है। HAL परिसर में बेहतरीन सड़कें भी बनाई गई हैं, जो तमाम कार्यालयों एवं कॉलोनियों सहित पूरे HAL परिसर को एक दूसरे से जोड़ते हैं। ये दृश्य हर प्रकार से शहर का सा प्रतीत होता है, ग्रामीण अंचल का तो बिल्कुल लगता ही नहीं। HAL, जिसका पूरा नाम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, यह वायुसेना हेतु तमाम लड़ाकू विमान बनाती है तथा इन पर रिसर्च भी करती है। HAL की एक इकाई अमेठी के कोरवा नामक स्थान पर स्थापित की गई थी, जिसकी वजह से इस इकाई को यहाँ के लोग HAL कोरवा के नाम से जानते हैं। यह HAL का हेरिटेज सेंटर है। हेरिटेज सेंटर को सरल शब्दों में विजिटर सेंटर या फिर पार्क भी कह सकते हैं। यहाँ के लोग इस स्थान का भी बखूबी प्रयोग करते हैं। वह यहाँ पे तरह तरह के खेलों को खेलते हैं, मनोरंजन के उद्देश्य से अपना समय भी पास किया करते हैं। इसी रास्ते पर आगे बढ़ते हुए हम जा पहुँचे HAL के पुराने सिनेमा हॉल पर, जो अब बंद हो चुका है। शाम का समय हो चला है और हम अपने इस छोटे से वीडियो में आपको HAL के बारे में बहुत कुछ बताना चाहते हैं, अतः हम जा पहुँचे HAL के स्वास्थ्य केंद्र अर्थात हॉस्पिटल पर। यहाँ का चिकित्सालय है। यहाँ के कर्मचारी एवं उनका परिवार तथा अन्य भी अधिकृत लोग यहाँ पर अपने तमाम रोगों का इलाज करा सकते हैं। यह काफ़ी दूर में स्थित है। भ्रमण के रास्ते पर अग्रसर हम HAL में स्थित एक मार्केट प्लेस के पास से होकर गुजरे, जिसे तमाम अवसरों पर सजा दिया जाता है तथा छोटी मोटी पार्टी भी यहीं अरेंज कर दी जाती है। यहाँ पर कई दुकानें भी लगती हैं। तरण ताल अर्थात स्विमिंग पूल का पूरा दृश्य ताला बंद होने की वजह से हम आपको नहीं दिखा सके। आगे बढ़े तो हमें एक छोटा मार्केट प्लेस मिला, जहां फास्ट फूड इत्यादि की तमाम दुकानें होने की वजह से सायंकाल में लोग इकट्ठे होते हैं। और ये है HAL परिसर का एकलौता भव्य मंदिर। यहां पर रुक कर हम दर्शन तो ना कर सके, लेकिन दूर से ही यहाँ की सुंदरता आपको दिखा दी। प्रवेश एवं निकास हेतु यहाँ पर दो मुख्य द्वार हैं। गेट नंबर 1 हमेशा बंद रहता है, गेट नंबर 2 से ही प्रवेश एवं निकास होता है। अतः यहाँ पर सुरक्षा के सारे इंतजाम हैं तथा एक आम आदमी का बेवजह प्रवेश वर्जित है। यहाँ के जो स्थान दिखाने से छूट गए हैं, उन्हें अगले पार्ट में दिखाया जाएगा। तो हमारे आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्कार, मैं हूँ शिवम शुक्ला, जो आपके लिए ऐसे ही रोचक वीडियोस लाता रहता हूँ।